मरवाही उपचुनाव के लिए राजनीतिक दल मैदान में उतर चुके हैं। मरवाही का महासंग्राम जीतने के लिए कांग्रेस हर सियासी पितरा आजमा रही है। मरवाही के किले बंदी करने के लिए चप्पे चप्पे कार्यकर्ता तैनात करने की तैयारी है। सरकार के 5 कैबिनेट मंत्री, 10 संसदीय सचिव और सांसद समेत 50 विधायक मैदान में उतर गए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस ने शुरू की मरवाही की जंग जीतने की तैयारी। चप्पे चप्पे पर होगी नेताओं कार्यकर्ताओं की तैनाती। कांग्रेस पार्टी ने 59 सेक्टरों में बांटी मरवाही। मंत्रियों, विधायकों, संसदीय सचिवों को दी जिम्मेदारी। मरवाही का उपचुनाव कांग्रेस के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका पता कांग्रेस की तरफ से ड्यूटी में तैनात किए गए नेताओं के चार्ट को देखकर चलता है। कांग्रेस किसी भी कीमत पर मरवाही को जोगी परिवार से छीनना चाहती है, इसीलिए पहले जाति फैक्टर और उसके बाद अब सारी ताकत लगाकर कांग्रेस जीत की कोशिश में जुट गई है। इसके पहले प्रदेश में हुए दोनों उपचुनाव कांग्रेस ने आसानी से जीते थे, लेकिन मरवाही की बात अलग है। सीट के महत्व को समझते हुए कांग्रेस ने 5 कैबिनेट मंत्री, 10 संसदीय सचिव और 50 विधायकों की टीम मरवाही में उतार दी है। जब भी मरवाही में उपचुनाव हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य जब बना था तब भी कांग्रेस पार्टी ने इसी ताकत से वहाँ चुनाव लड़ा था और हम हर उपचुनाव को इसी प्रकार से लड़ते हैं। ये हमारी कांग्रेस की संगठन की तैयारी है और फिर से कह रहा हूँ, मरवाही हमारी परंपरागत सीट है, हम मरवाही जीतेंगे। मरवाही को प्रतिष्ठा का सवाल बना चुकी कांग्रेस की पूरी ताकत झोंकने के बाद दूसरे दलों की रणनीति गड़बड़ा गई है। जोगी कांग्रेस और बीजेपी अब सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। अगर वास्तव में भूपेश बघेल जी को थोड़ी सी भी नैतिकता है उनमें, तो ये जो मेरी जाति का फैसला है, असली नकली चिल्ला रहे हैं, ये एक ही उनका मापदंड है कि आप कांग्रेस में रहो तो आप आदिवासी हैं और कांग्रेस से बाहर आ जाइए तो गैर आदिवासी। असली नकली का फैसला आपकी नकली अदालत में नहीं होना चाहिए भूपेश बघेल जी, असली नकली का फैसला मरवाही की जनता की असली अदालत में एक बार फिर से होने दें। निश्चित रूप से कांग्रेस डरी हुई है, घबराई हुई है। कोई एक परिवार के लोग चुनाव ना लड़े उसके लिए नया कानून बना देती है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा भय है कि मरवाही की सीट उनके लिए जीतना बहुत कठिन काम और असंभव। मरवाही को लेकर हर पार्टी की अपनी रणनीति है, लेकिन ताकत लगाने के मामले में कांग्रेस ने सभी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है। नेताओं के टूटने का दंश झेल रही जोगी कांग्रेस को सहानुभूति फैक्टर का ही सहारा नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी पिछले प्रदर्शन को दोहराने की जुगत में लगी है। मरवाही के मतदाता किसका साथ देंगे, इसका फैसला तो 10 नवंबर को ही होगा। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज़, रायपुर।